So students, today we learned about division of labor in cells. Every cell has its own specialized function, which is essential for the survival of life. This is also true for a society where every person plays an important role in smooth functioning of our day-to-day life. So we can say it applies to this society. And nerve cell. Okay students, see you tomorrow and don't forget to complete your homework. और भाई कैसे? सब बढ़िया? आता हूँ आता हूँ। Hey, can you please help me out? Were you calling me? हाँ, can you please do me a favor? क्या तुम किसी लड़की को बुलाकर ला सकते हो? तुम तड़ी मार रही हो ना? मैं भी तड़ी मार रहा हूँ, पर तुम यहाँ क्यों छुपी हो? तुम मेरे साथ चलो, मुझे एक मस्त जगह पता है। क्या बकबक कर रहा है? क्या बोल रहे हो तुम? ये तड़ी क्या होती है? अरे मेरा मतलब बंक। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ और एक लड़की को बुला कर लाओ प्लीज। मैं नहीं जा रहा वारा। तुम्हारी लड़की को बुलाने के चक्कर में किसी टीचर ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी तो शामत ही आ गई। वैसे ही सारी टीचर्स मुझसे खुन्नस खा कर बैठी है। तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। I will help you। तुम नहीं समझोगे। तुम बस जाओ और एक लड़की को बुला कर लाओ प्लीज। अरे यार, तुम्हें वो वाली प्रॉब्लम हो गई है। Thank God, ये समझ गया। मेरी मम्मी ऐसे सिचुएशंस के लिए हमेशा मुझे मेरे पॉकेट में दे कर रखती है। हैं? तुम्हारी स्कर्ट फट गई है ना? तुम्हें सेफ्टी पिन चाहिए है ना? रुको मेरे पास है, मैं देता हूँ। Stupid idiot! देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करूँ। Fish, how could I be that fool? Wait, मैं समझ गया शायद। तुम्हें वो गर्ल्स वाली मंथली सिचुएशन हो गई है। ओके डोंट वरी, मैं अभी मेडिकल रूम जाकर तुम्हारे लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आता हूँ। हे हे यू देयर, टेक दिस। हे, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। आज तुम नहीं आते तो मुझे नहीं पता मैं ये सब कैसे मैनेज करती।
इट्स ओके, मम्मी ने मुझे बताया है कि तुम गर्ल्स के लिए इस कंडीशन मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है. ओके देन, टेक केयर. ओके. हे लिसन. हाँ. तुम्हारी स्कर्ट खराब हो गई है, तुम ये स्वेटर रख लो, मुझे कल रिटर्न कर देना. ठीक है. आज तो बैंड ही बच गई थी, हजार बार मम्मी ने समझाया डेट्स आने पर प्रिकॉशनरी पैड रख लिया करो, पर नहीं, मुझे कहाँ सुननी रहती है उनकी कोई बात, मुझे तो बस अपने चलाने. क्या कुछ फुसाने लगी, तुम टेंशन मत लो, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी एकदम सीक्रेट. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस सोच रही थी मम्मी की बात मान लेनी चाहिए. तुम नहीं समझोगे. बाय द वे, तुम ये बताओ तुम ये लेकर कैसे आए? तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारा काम हो गया ना बस. यार आज तुमने मेरी इतनी हेल्प की पर अपना नाम तो बताया ही नहीं. इमदाद. इमदाद इसका मतलब क्या है? माइट बी हेल्पर. तुम बिल्कुल अपने नाम की ही तरह हो. वैसे तुमने अपना नाम ही बताया. मेघा. और कौन सी क्लास में? 9. वैसे तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है? मेरी फेवरेट.